बिहार पुलिस जॉब। बिहार पुलिस में 11,880 युवाओं को मिलेगी नौकरी। इस दिन आएगा फाइनल रिजल्ट। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीपीएससी से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट देने वाली हूं। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है वो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, बिहार पुलिस में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। बिहार पुलिस संगठन ने कांस्टेबल की नौकरी के लिए 15 अप्रैल तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से वर्ष 2019 में राज्य के पुलिस संगठन में कांस्टेबल के 11,880 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। सीएसबीसी में नौकरी के लिए आवेदन प्रक्रिया होने के बाद वर्ष 2020 में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके लिए राज्य के लगभग 12 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया था। इसके बाद केंद्रीय चयन परिषद की ओर से 20 जनवरी 2020 और 8 जनवरी 2020 को 2 पाली में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। केंद्रीय चयन परिषद के विशेष कार्य पदाधिकारी कमलाकांत प्रसाद ने हमें बताया है कि लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद अब स्क्रूटनी प्रक्रिया की जा रही है। इसको पूरा करते ही 15 अप्रैल या उससे पहले ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। 650 से अधिक मुन्ना भाई हुए थे गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय चयन परिषद की ओर से सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में 650 से अधिक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया था। शारीरिक दक्षता परीक्षा 7 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2021 तक शहीद राजेंद्र सिंह स्मारक पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग में आयोजित की गई थी। इसमें लिखित परीक्षा में दूसरे व्यक्ति को बैठाए 650 से अधिक मुन्ना भाई को केंद्रीय चयन परिषद ने अंगूठे की मैचिंग नहीं होने बाद पुलिस को सौंपा था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। परिषद के विशेष कार्य पदाधिकारी कमलाकांत प्रसाद ने बताया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में 69,402 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें कि 650 से अधिक अभ्यर्थियों का अंगूठा का निशान नहीं मिलने के बाद गिरफ्तार स्थानीय थाने को सौंप दिया गया था। इसके बाद स्क्रूटनी का रिजल्ट करने की प्रक्रिया की जा रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे।